हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अंजलि चौहानिया अपना जलवा दिखा चुकी है, लेकिन अंजलि को महाराजगंज की माधुरी दीक्षित क्यों कहा जाता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं अंजलि चौहान के बारे में कुछ अनसुने बातों को। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना गवाए वक्त हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में काफी कम लोग होंगे जो शायद अंजलि को नहीं जानते। अंजलि को बचपन से डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था और ये खुद के डांस के दम पर अपना करियर बनाना चाहती थी। उस समय ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तभी इसे टिकटॉक के बारे में पता चला और इसने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। शुरुआत में इसके वीडियो पर काफी कम व्यूज आने लगे, लेकिन ये मेहनत करती रही और इसके टिकटॉक पर वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। अंजलि के टिकटॉक पर 3 मिलियन फैन फॉलोइंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टिकटॉक को इंडिया से बैन किया गया। फिर अंजलि ने इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया। इसे इसके टैलेंट को देखकर लोगों ने इसे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करना शुरू किया था और इसके इंस्टाग्राम पर अभी 2.5 मिलियन फैन फॉलोइंग हो चुकी है और इसे सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बताइए तो अंजलि चौहानिया बचपन से माधुरी दीक्षित का डांस देख देख कर सीख चुकी है और ये अपने डांस में ज्यादातर माधुरी दीक्षित के स्टेप को फॉलो करती है, जिस वजह से इसे महाराजगंज की माधुरी दीक्षित भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या अंजलि चौहानिया माधुरी दीक्षित की बराबरी कर पाएगी या नहीं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अंजलि चौहान के फैन हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।